करनाल में लघु सचिवालय के सामने नौकरी से निकाले गए बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों द्वारा धरना एवं रोष प्रदर्शन जारी है, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। यहां आपको बता दें कि 1983 पीटीआई शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। पीटीआई अध्यापकों द्वारा बर्खास्त किए गए अध्यापकों को दोबारा से नियुक्त करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पीटीआई टीचर अपनी योग्यता अनुसार सिलेक्ट किए गए थे, परंतु भर्ती प्रक्रिया में खामियां होने के कारण उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, जिससे उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज के धरने पर 5 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं एवं सरकार के प्रति अपना रोष प्रदर्शित किया गया है। यहां पर हम आपको बता दें कि हरियाणा में कार्यरत पीटीआई टीचर को भर्ती प्रक्रिया में खामियां पाए जाने पर न्यायालय द्वारा एवं सरकार द्वारा नौकरी से हटाया गया है। उनकी सेवाएं मुक्त कर दी गई हैं, जिससे पूरे प्रदेश के पीटीआई टीचर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल के लघु सचिवालय के सामने कई दिनों से जहां हर रोज प्रदर्शन चल रहा है, पीटीआई टीचर का नेतृत्व कर रहे कृष्ण निर्माण ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक 1983 पीटीआई टीचर को ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई टीचर के धरने को सभी कर्मचारी यूनियन का समर्थन मिल रहा है। सरकार से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि पीटीआई टीचर को नौकरी पर रखा जाए, ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमाकर परिवार का भरण पोषण कर सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। महिलाओं ने थालियां बजाकर सरकार का विरोध किया एवं सरकार से आह्वान किया गया कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाए। दिन में यो धरना प्रवेश कर गया, पूरे हरियाणा में है। एक क्या मांग है, 1983 पीटीआई को रिज्वाइन कराया जाए। ये गलत ढंग से हटाए हैं, इनका कोई दोष ना था ना है। क्या आरोप लगाया इन पे? आरोप इन पे कोई नहीं, भर्ती प्रक्रिया पर आरोप है। पीटीआई पर आरोप कोई नहीं, भर्ती प्रक्रिया एक अलग सवाल है, पीटीआई की नौकरी एक अलग सवाल है। कोई नुमाइंदा मिलने आया सरकार की ओर से? नुमाइंदा तो एक बार तो यहाँ का सांसद संजय भाटिया आके बैठा था, एक बार धर्मपाल गोंदर के पास गए थे। दोनों के बयान हम आपकी बात ठावेंगे। हमने कहा ठाण का मतलब यू नहीं है कहना, क्या तो हम मेरे यहाँ ठाण का मतलब यू है बात का, या तो अपने पदाते दे दो इस्तीफा या फिर इन नए बाल करा दो। आज आप किस भी आप पे यहाँ पे संबोधित करने आए? ये 24 दिन में धरना है, लगातार धरना चलता है। 5 साथी कर्मी कंसल पे बैठते हैं, बाकी साथी धरने पे बैठते हैं, पूरे हरियाणा में है। हरियाणा पीटीआई एसोसिएशन का ये निर्णय है, जो स्टेट बॉडी है, 22 जिलों में कार्यक्रम है। करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं और इसमें हमारे साथ हमारा अध्यापक संघ SKS और अलग यूनियन है, वो हमारा साथ दे रही है। कल 127 गांवों की पंचायतों ने हमारे को हमारा समर्थन दिया। पीटीआई साथियों का वो हमारे साथ हैं, वो सरकार का विरोध करती हैं। जिस दिन हमारे को 1 जून से रिलीव किया था, सेवा मुक्त किया था, वो सभी पंचायतें, बाकी और पंचायत है करनाल की, जैसे कि 450 के करीब हैं, वो भी हमारे साथ आ रही हैं। ये प्रतिदिन जुड़ रही है हमारे साथ। सरकार की ओर से आया कोई नुमाइंदा? नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया हमारे पास, सिर्फ हम ही गए थे एक बार। अपना कल SDM साहब, जब खट्टर साहब आए हुए थे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम कल SDM मलिक साहब से मिले थे। वो कहते हैं कि मैं आपकी बात निशांत यादव सिंह हैं, डीसी मोहते जी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से पास, तो देखते हैं उन्होंने क्या रखी क्या नहीं, आप पूछेंगे आज हमसे क्या बात है। आज क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? आज का कार्यक्रम तो यही है कि जब हमने कंप्लेंट छपवाए हुए हैं, हम करनाल के हर जन व्यक्ति, एक व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि हम बेकसूर हैं। सारा जो दोष है वो हमारे किसी भी पीटीआई साथी है, कोई दोष नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 8 अप्रैल को, उसमें कहीं भी हमारे को फाल्टी नहीं बनाया गया। उन्होंने सिर्फ ये किया सरकार को कि 5 महीने तक भर्ती करे, लेकिन सरकार ने किया, सरकार क्या करती है कि हमारे को 1 जून से सेवा मुक्त कर देती है, और 15 जून से हम कंटिन्यू यहाँ पे धरने में बैठे। 24वां दिन आज हमारा, और ये हमारे साथी हैं 5 साल। कब तक चले गए ये? जब तक हमारे को सेवा में बहाल नहीं किया जाता एज इट इज। क्या नाम आपका? मेरा संदीप। आज कौन कौन लोग बैठे हैं? आज हमारे बैठे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.